ठीक है, कैपिटल बजटिंग वाला टॉपिक अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मॉडिफाइड आईआरआर। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो हमने पढ़ लिया, मॉडिफाइड आईआरआर में कुछ तो अलग होगा, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। अब एक स्टेप और आगे जाके आपको सोचना पड़ेगा, जिस तरीके से अभी तक नहीं सोचा है वो हम ये टॉपिक में वैसे ही सोचने वाले हैं। तो मॉडिफाइड आईआरआर से शुरू करते हैं। अब इसके लिए आपको एक क्वेश्चन भी उन्होंने दे रखा है, जो थियरी है ना उसके साथ ही उसी में एक एग्जाम्पल है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ 120 लाख ऐसा कुछ है, 1,20,000 है, एंड देन उसके बाद 80,000 का भी इन्वेस्टमेंट है, वैसा एक सम दिखेगा। मैं भी ओपन कर लेता हूँ। हाँ, मॉडिफाइड आईआरआर वाला जो टॉपिक है सम देख लेते हैं, उसमें क्या है ये टाइमलाइन के फॉर्म में बना देता हूँ आपके लिए समझना इजी रहेगा। देखो यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है इनिशियली 120 बोला है, फिर यहाँ पे 80,000 का इन्वेस्टमेंट और कैश इनफ्लो आना यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब आईआरआर में ना एक लिमिटेशन थी जिस पे हमने तब बात ही नहीं की, बिकॉज वो आईआरआर का कंसेप्ट चल रहा था, वो लिमिटेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो कैश फ्लो आया, कैश इनफ्लो, ये पैसा आपको मिला है 2 साल खत्म होने पे और आपका प्रोजेक्ट जो है वो 6 ईयर्स पे जाके एंड हो रहा है। तो ये पैसा 4 साल तक आपने कहाँ रखा होगा? घर पर रखा होगा लॉकर में, या बिजनेस में री इन्वेस्ट किया होगा, कहीं और इन्वेस्ट किया होगा, कहीं तो इन्वेस्ट हुआ होगा ना। इन शॉर्ट कुछ तो पैसा इसके ऊपर जनरेट होगा। हमने ना वो री इन्वेस्टमेंट वाले फैक्टर के ऊपर कोई डिस्कशन किया नहीं। अपने क्या कर रहे थे, आईआरआर एनपीवी कुछ भी निकाल रहे ना, सीधा इसको डिस्काउंट कर करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ गए, कंपैरिजन कर लिया। अब हम ये बात करने वाले हैं कि ये पैसा अगर री इन्वेस्ट होता तो किसी पर्टिकुलर रेट पे तो री इन्वेस्ट होता और वो जाके इन फ्यूचर उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू क्रिएट होती। ये जो 20,000 है, 1, 2, 3, 4 साल के इंटरेस्ट के बाद कुछ एक्स अमाउंट बनता, उसकी भी कुछ फ्यूचर वैल्यू होती। वो पॉइंट को हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। इसमें ना डेटा में इन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है, इट इज़ 15% पर एनम। मैं इसको एक और नाम दे रहा हूँ, री इन्वेस्टमेंट रेट। वो है नहीं, लेकिन ऐसे अलग से एक रेट होना चाहिए था, उन्होंने कॉमन रख दिया, जबकि अलग होता तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होता। इसको डिस्काउंटिंग रेट करके बोला है वो अपनी जगह, बट मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ, री इन्वेस्टमेंट रेट। री इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि ये 20,000 रुपीज़ आज जब आपने कमा लिया, आप इमिडिएटली इसको इन्वेस्ट करोगे और इसके ऊपर ना 15% पर एनम का आपको रिटर्न जनरेट होगा। और इन्वेस्टेड कब तक रहेगा? जब तक प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म नहीं हो जाती। ये अमाउंट के साथ भी वही होने वाला है, इसके साथ भी यही होने वाला है और इनके साथ भी यही होने वाला है। अब एक बात समझो, मैंने जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाया था तब हमने एक बेसिक बात डिस्कस की थी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। मैं एग्जाम्पल वापस वही रिपीट कर रहा हूँ। 1 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किए, 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, ड्यूरेशन इज 1 ईयर। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इफ़ दिस कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, किया था ऐसा 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ, सेकेंड 6 मंथ्स, तो कहीं ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ़र्क पड़ रहा था। और मैंने आपको बोला था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। और इसके बदले अगर हम क्वार्टरली गिनेंगे तो और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इस पॉइंट पे बात हुई थी। अगर इसी डेटा के हिसाब से गिने तो फर्स्ट 6 मंथ्स का जो आपका इंटरेस्ट आएगा 1 लाख रुपये पे 10% 6 महीने के लिए, ये हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, फिर जब हम सेकेंड 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करेंगे, 1,05,000, इस पर गिनेंगे 10% फॉर 6 मंथ्स, ये आप गिनोगे तो ये हो रहा था 5,250। मैंने ऐसे ही कुछ नंबर्स लिए थे तब। आप टोटल इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया वो अगर आप देखो, इट इज़ 10,250, है ना। रेट आपको क्या कोट किया क्वेश्चन में, 10% पर एनम, उस हिसाब से 1 लाख पे 10,000 ही होता है। बट क्योंकि हमने 6 महीने करके गिना, इफेक्टिव अमाउंट जो आया इंटरेस्ट का वो हो गया 10,250, कुछ एक्स्ट्रा है ना। और यही अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो कि भाई 10,250 रुपये 1 लाख पे कितना हुआ, तो 10.25 हो जाएगा। तो जो नॉर्मल रेट 10% लिखा है, आपने एक्चुअली में उससे ज़्यादा रेट पे कमाया। इफेक्टिव रेट इज हायर देन द गिवन रेट, दिस इज इफेक्टिव रेट, 10.25% इज इफेक्टिव रेट। कहीं ना कहीं वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, मैं इसको रिलेट करवा रहा हूँ कैसे। अब ये जो है, जैसे मैंने 15% का एक री इन्वेस्टमेंट रेट गिन भी लिया तो कंपाउंडिंग भी तो हो रहा होगा, तो इफेक्टिवली हमने जो कमाया होगा वो 15% से कुछ ज़्यादा ही होगा, ऐसे एक बार अपने इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है। बट वो इफेक्टिव रेट कितना होगा वो हमें गिनना है यहाँ पे, और उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं मॉडिफाइड आईआरआर।
आप याद करो IRR के लिए मैंने आपको पहला स्टेटमेंट लिखवाया था, द एक्चुअल रेट एट विच वी आर अर्निंग रिटर्न इज IRR, वही बात हो रही थी। तो एक्चुअल रेट हमारा रिटर्न का क्या होगा वो हमें गिनना है, अगर ये सारा पैसा री इन्वेस्ट होता जाए तो। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करें, वो मॉडिफाइड IRR निकाले कैसे, उसका तरीका ये है कि आपके पास जितने कैश आउटफ्लोज दे रखे हैं ना, वो सारे कैश आउटफ्लोज को आपको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके जाना है, जैसे अपने नॉर्मली करते हैं। अब ये 120,000 तो ऑलरेडी आज की वैल्यू पे ही है, तो इसमें कोई डिस्काउंटिंग नहीं होगा, लेकिन ये 80,000 रुपीज़ जो है ये एक साल के बाद इन्वेस्ट किया गया है, तो इसकी कुछ ना कुछ प्रेजेंट वैल्यू तो होगी। आ रहा है समझ में? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट भी क्वेश्चन में 15% ही है और री इन्वेस्टमेंट का रेट भी 15% ही है, दैट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि उन्होंने दो अलग अलग रेट दिए नहीं। अगर देते तो डिस्काउंटिंग के लिए हम ये रेट लेते और इन्वेस्टमेंट के लिए ये वाला रेट लेते, अगर डिफरेंट परसेंटेज होते तो। यहाँ पे सेम परसेंटेज लेने के लिए बोला, इसलिए मैं वैसे करवा रहा हूँ। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल के बता सकते हो मुझे, 80,000 को एक साल से डिस्काउंट करना है एट 15% पर एनम, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी करुण? 69,565, ठीक है, 69,565, पॉइंट में मैं ऐसे लिख देता हूँ 69.56, दो डेसिमल तक, ठीक है। ये भी तो आउटफ्लो है, आउटफ्लो प्लस आउटफ्लो, टोटल आउटफ्लो एट प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये टोटल आउटफ्लो है प्रेजेंट वैल्यू, एब्सोल्यूट टर्म्स में तो 2,00,000 है, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो 189,560 आ रही है, ठीक है। तो ये आपने एक स्टेप पूरा कर लिया इस सम को कैलकुलेट करने का। दूसरा स्टेप ये है कि आपके जो कैश इनफ्लोज हैं वो हो रहे हैं री इन्वेस्ट, तो अगर वो री इन्वेस्ट हो रहे हैं तो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो रहा होगा उन पर, तो हमें उनको पहले डिस्काउंटिंग नहीं करना है, कंपाउंडिंग करना है। कंपाउंडिंग का मतलब फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है कि आज का 20,000 यहाँ आके कितना हो जाएगा सिक्स्थ ईयर के एंड पे, 1, 2, 3, 4 चार साल का इंटरेस्ट इसके ऊपर एड ऑन होगा। गिनने के लिए अपना फॉर्मूला वही है कंपाउंडिंग, जो एकदम स्टार्टिंग में कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था ना, वो उसी से गिनना है, 20 × 1.15 raised to 4 चार साल का इंटरेस्ट, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। दिस इज समथिंग न्यू, हम हर बार क्या निकालते थे प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ निकाल रहे हैं फ्यूचर वैल्यू। तो ये 20,000 की यहाँ की फ्यूचर वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ रही है, देखो ना एक बार गिन के, ये रहा कैलकुलेशन ऐसे करना है, 1.15 raised to 4 इंटू 20, बताओ अमाउंट कितना आ रहा है, 34,980, ठीक है, 34.98। अच्छा ये जो 60,000 है इसके साथ भी तो सेम हुआ होगा, 1, 2, 3 साल का इंटरेस्ट लगाओ ना, 60 × 1.15 raised to 3 कितना अमाउंट आ रहा है, 2,500, ठीक है। ये वाला दो साल का इंटरेस्ट 80 × 1.15 raised to 2 दो साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा, 0.8। अच्छा फिर ये 100, इसको तो एक साल का ही कंपाउंडिंग लगाना, 15% रेट है तो 115 हो जाएगा है ना, 15% रेट सीधा आ गया। ये 120 तो 120 रहेगा ना, इसमें तो कंपाउंडिंग होगा नहीं। ये टोटल बताओ, आपस में बातें मत करो, ये टोटल बताओ कितना हो रहा है, ये 467, ठीक है 467 ले लेते हैं तो भी चलेगा, 0.03 लोगे तो भी ठीक है, ये आ रहा है 467। दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल दीज कैश इनफ्लोज, इसको इन्होंने नाम दिया हुआ है टर्मिनल वैल्यू या टर्मिनल कैश फ्लो, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, टर्मिनल क्योंकि एंड पे है, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट एट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज फ्यूचर वैल्यू अलॉन्ग विथ री इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करने जा रहे हैं आगे, मॉडिफाइड IRR निकालने जा रहे हैं कि MIRR या मॉडिफाइड IRR कैसे आता है, ये कैसे पता चलेगा, वो वापस IRR की डेफिनेशन पे हमें जाना है। हमने जो बेसिक IRR का कंसेप्ट सीखा था उसमें आपको ऐसा बोला था, द रेट एट विच NPV इज इक्वल टू 0, ये आपको बात याद होगी, मैं उसी से फिर से लिंक करा रहा हूँ। NPV का जो फॉर्मूला था अपने पास, उसमें ये बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, ये होता है NPV का फॉर्मूला। अगर NPV 0 है इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू इनिशियल कैश आउटफ्लो, तभी डिफरेंस का अमाउंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ये समझ आया। तो इसके बेस पे हम IRR निकालने की कोशिश करेंगे वही कंसेप्ट से जैसे अपन ने पहले भी किया। अब वो कंसेप्ट अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो बताइए कैसे पता चलेगा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसको हम किसी एक पर्टिकुलर IRR पे अगर डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए और ये अमाउंट
प्रेजेंट वैल्यू पे आते ही अगर इसके बराबर हो जाए तो एनपीवी जीरो आ जाएगा, और जिस डिस्काउंटिंग रेट पे आपने इसको इतना बना दिया वो डिस्काउंटिंग रेट है आपका आईआरआर या मॉडिफाइड आईआरआर। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो अपने क्या करेंगे, इसको डिस्काउंटिंग करेंगे और यहाँ तक डिस्काउंट करके लेके आएंगे, मतलब 6 साल का गैप है ना ये, जैसे सिक्स ईयर से हम जीरो ईयर पे लेके जा रहे हैं, तो 6 साल से डिस्काउंटिंग करेंगे इस अमाउंट को, टर्मिनल वैल्यू को, और उसको इसके बराबर बनाने की कोशिश करेंगे एट अ पर्टिकुलर परसेंटेज जो अभी हमें पता नहीं। फॉर्मूला वाइज अगर बात करूँ तो ऐसा हो गया, 467 को मैं डिस्काउंटिंग करूँगा कुछ एक्स परसेंटेज पे फॉर 6 ईयर्स, और इसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू या आउटफ्लो के बराबर हो जानी चाहिए 189.56। बोल सकते हैं ऐसा? तो जिस रेट पे एनपीवी इक्वल टू जीरो हो गया वही आईआरआर है। एनपीवी जीरो तब होगा जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू इसके बराबर हो जाए। तो दिस डिवाइडेड बाई द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो। दिस इज द पॉइंट वेयर एनपीवी जीरो एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ आईआरआर। ये हमें देखना है। अब इसका आगे कैलकुलेशन कैसे करें वो भी समझ लो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 + x% raised to 6। ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो 467 डिवाइड बाई 189.56। नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ेगा हमें, वैल्यू से मतलब, एक फैक्टर आएगा इसको डिवाइड करके, 2.46 आ रहा है। अब आगे हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं या ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अभी एमसीक्यू नहीं है हमारे पास, तो 4 ऑप्शन है नहीं। एग्जाम में आपके पास डेफिनेटली आगे सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन होंगे, कोई रेट दिए होंगे ना क्वेश्चन में, वो रेट सीधा आप यहाँ पुट करके वेरीफाई कर सकते हो कि कौन से रेट से आपको ये फैक्टर मिल रहा है। 1 + x% raised to 6 इज इक्वल टू 2.46। तो ये एक्स परसेंटेज है कितना? अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई परसेंटेज दिया हुआ है नहीं ऑप्शन में, कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर। कॉमन सेंस लगा लो, हमने री इन्वेस्टमेंट कितने रेट पे किया था, 15%। तो मैंने आपको जो ये वाला कंसेप्ट बताया इसके हिसाब से इफेक्टिव रेट 15% से कुछ ज़्यादा ही रहा होगा ना, इतना तो आप अज्यूम कर पा रहे हो। जब 10% री इन्वेस्टमेंट का रेट था, इफेक्टिव इंटरेस्ट मिला 10.25, यहाँ 15% री इन्वेस्टमेंट का रेट है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कुछ ना कुछ इससे ज़्यादा ही होगा। तो अपने 16% से ट्राई करके देख लेते हैं, हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा बिकॉज अभी ऑप्शंस नहीं है। तो आप 16% एक बार यहाँ लगा के देखो और रेस टू सिक्स कैलकुलेट करके देखो, 2.46 एग्जैक्ट आ रहा है, उसके आसपास आ रहा है, क्या होगा एक बार करके देख लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.44, ये आपका आ रहा है एग्जैक्ट 16% पे, आपने ऐसा किया होगा, ये आ रहा है 2.44। अपने को चाहिए 2.46, थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा। अब एक बार 17 लेके देख लो कितना आगे जा रहा है, तो ट्राई तो करो। बहुत आगे चला गया ना, अपने को तो 2.46 इसके आसपास ही आना था। आप 16.5 भी ट्राई कर सकते हो, उससे भी कम ही आएगा क्योंकि इसके आसपास ज़्यादा है। आप 16.5 एक बार ट्राई करो, वो ऐसा दिखेगा 1.165 raised to 6 कितना आ रहा है, ठीक है। अब इसके बीच में कहीं ना कहीं अपना आंसर बिलोंग करता है 2.44 और 2.5, अपना यहाँ 2.46 आना है। तो थोड़ा इस तरह से शुरू करते हैं, 16.2% ले लेते हैं, एक बार 2 पे ट्राई कर लो क्योंकि इसके पास होगा, इसलिए मैं 3 नहीं बोल रहा, 1.162। एक बार ये ट्राई करो, आ रहा है 2.46 एग्जैक्ट आ गया। तो 16.2% इज द एक्यूरेट आंसर। अब यही आपके पास ऑप्शंस होते तो इतने में आपने 4 बार की ना 4 ऑप्शन ही लगा देते, जिसमें आपको 2.46 मिल गया वही आपका आंसर है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इतना प्रॉब्लम होगा नहीं, अभी हमने थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके लगाया तो पता चल गया। तो 16.2% जो एग्जैक्ट रेट आया है दैट इज मॉडिफाइड आईआरआर, ठीक है, मॉडिफाइड आईआरआर ये है 16.2% जिसपे हमने एक्चुअली में रिटर्न अर्न किया, और वो देख लो इस रेट से कुछ ज्यादा ही आ गया। समझ में कुछ नया कंसेप्ट है, फर्स्ट टाइम अपन ने पूरे चैप्टर में इस टाइप का एडवांस लेवल पे जाके सोचा कि भाई इसको यहाँ लेके जाके आज की वैल्यू पे ले गए, और इसमें री इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ जो अभी तक नहीं था। नॉर्मल आईआरआर में ये सब चीज़ें अज्यूम नहीं हो रही थी, मॉडिफाइड आईआरआर में थोड़ा प्रैक्टिकली एक स्टेप आगे जाके सोच रहे कि ये पैसा आज कमाया है तो 4 साल तक लॉकर में नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा, तो एक री इन्वेस्टमेंट का रेट होना चाहिए। वो री इन्वेस्टमेंट का रेट है अपनी जगह, बट इफेक्टिव रेट हमने इसे कुछ ज़्यादा ही कमाया होगा क्योंकि कंपाउंडिंग हो रहा है, तो इसलिए इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया, फ्यूचर वैल्यूज निकाली, फिर इस फ्यूचर वैल्यू को एक रेट पे डिस्काउंट करके प्रेजेंट इनिशियल कैश आउटफ्लो के बराबर बनाया, जिस पॉइंट पे एनपीवी जीरो आ जाए वो जो परसेंटेज आ रहा है उसको अपने आईआरआर के बदले मॉडिफाइड आईआरआर बोल रहे हैं, बिकॉज ये स्टेप पूरा एक्स्ट्रा है अभी तक जो सीखा था उसमें, बाकी का कंसेप्ट वही का वही, सिर्फ ये वाला स्टेप जो फ्यूचर वैल्यू निकालने वाला है वो एडिशनल। अब समझ आ रहा है यहाँ तक, क्लियर हो गया?
तो ये पूरा आपका मॉडिफाइड IRR का एक सम हो गया, इसको आप नोट कर लो। ऐसा एक और सम करवा रहा हूँ, थोड़ी ग्रिप और आ जाएगी। अभी 100% समझ नहीं आएगा क्योंकि नया है। 80% आ गया, 70% आ गया, ठीक है, नेक्स्ट सम में बाकी वापस से इसको सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। देख लो एक बार, लिखना बाकी है कुछ, नोट करना तो कर लो, और हो गया है तो बता दो, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसके अगले पेज पे ही है, पेज नंबर 60 पे। उसमें ने डिस्पेरिटी का कंसेप्ट है वो बता देता हूँ, आप पहले नोट कर लो क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा। चलो तो देख लेते हैं आगे। पेज नंबर 60 पे एक टॉपिक है, उसका नाम है डिस्पेरिटी। अभी ध्यान से समझ लो यहाँ, डिस्पेरिटी क्या है एग्जैक्टली, उसके तीन टाइप्स है। डिस्पेरिटी का मतलब समवेयर देर इज अ मिसमैच, और कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मिसमैच हो रहा है। तो डिस्पेरिटी का मतलब है कि जो चीज़ इवन लेवल पे या इक्वल लेवल पे नहीं है उनको पहले इक्वल बनाना पड़ेगा ताकि आप उसमें कंपेरिजन कर सको। कोई भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए उसका इक्वल लेवल पे होना या एक स्केल पे होना ज़रूरी है। तो डिस्पेरिटी के रीजन हो सकते हैं, तीन टाइप्स में इसको डिवाइड किया। एक टाइम डिस्पेरिटी बोल रहे हैं, एक साइज डिस्पेरिटी बोल रहे हैं, और एक लाइफ डिस्पेरिटी बोल रहे हैं। तो एक एक करके अपने इसके ऊपर बात कर लेते हैं एग्जैक्टली डिस्पेरिटी का रीज़न क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो टाइम डिस्पेरिटी है, उसमें यही MIRR वाला ही कंसेप्ट आने वाला है। पेज 60 पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, वो एग्जांपल देखना। उसमें दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है 2,20,000। उसके सामने जो उनके कैश फ्लोज हैं वो अलग अलग दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसी टेबल में लिखा है 10%। अब ये कैश फ्लोज को यूज़ करके ना उन्होंने NPV और IRR तो ऑलरेडी निकाल दिया, वो तो आपको गिनना है ही नहीं। NPV दिया हुआ है, IRR भी दिया हुआ है, लेकिन अब ना कैश फ्लोज के एक बार ऑर्डर का एनालिसिस करो। प्रोजेक्ट वन में जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो इंक्रीजिंग है, पहले लो है बाद में हाई होते जा रहे हैं, और प्रोजेक्ट टू में उल्टा है, पहले हायर कैश फ्लोज है फिर लोअर होते जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है। अब ये ना ये डिस्पेरिटी है, दिस इज अ मिसमैच, या ऐसा बोल सकते दोनों में डिफरेंस है। प्रोजेक्ट वन इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपसे सेम मांग रहा है, प्रोजेक्ट की लाइफ भी सेम है, लेकिन कैश फ्लोज का जो ऑर्डर है वो रिवर्स है, एक में इंक्रीजिंग है एक में डिक्रीजिंग है। तो क्या टाइमिंग का फर्क पड़ता है क्या NPV पे? आपको जो 62,000 फर्स्ट ईयर में मिला प्रोजेक्ट वन में, उसके बदले प्रोजेक्ट टू में आपको फर्स्ट ईयर में 1,42,000 मिला, उसका इम्पैक्ट तो पड़ने ही वाला है क्योंकि डिस्काउंटिंग करेंगे या फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो अमाउंट्स डिफर करेंगे। तो ऑब्वियसली ये एक डिफरेंस का पॉइंट है जिस वजह से NPV पे असर पड़ा। और NPV देख लो आप, प्रोजेक्ट वन का NPV ज़्यादा है, प्रोजेक्ट टू का NPV कम है। वो तो नंबर्स पे डिपेंड करता है क्या हो रहा है क्या नहीं। अब अगर आपको बोले NPV के बेस पे सिलेक्शन करो तो योर आंसर विल बी प्रोजेक्ट वन, लेकिन जब IRR गिना तो IRR उल्टा आया। जिस प्रोजेक्ट का NPV ज़्यादा है ना उसका IRR कम आ रहा है, और जिसका प्रोजेक्ट का NPV जो है वो कम है उसका IRR ज़्यादा आ रहा है, रिवर्स हो गया। ये जो प्रॉब्लम हुआ ना ये टाइम डिस्पेरिटी की वजह से हुआ, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स में अलग अलग टाइम पे या सेम टाइम पे जो अमाउंट्स रिसीव हो रहे हैं जैसे ईयर वन में ईयर टू में, वो अमाउंट्स में डिस्पेरिटी है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में 62 के सामने सीधा 142, सेकेंड ईयर में 80,000 के सामने 80,000, चलो फिक्स है, लेकिन थर्ड ईयर में 1,00,000 के सामने 80,000, तो रिवर्स जा रहा है वो। उसका इफेक्ट ये NPV और IRR पे पड़ रहा है, और दोनों रिजल्ट्स आपको उल्टा दिखा रहे हैं। NPV बोलता है प्रोजेक्ट वन में जाओ, IRR बोलता है प्रोजेक्ट टू में जाओ। तो ये चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम मॉडिफाइड IRR का यूज़ करें, जैसे अभी पिछले समय अपने कर रहे थे, ठीक है, सेम वे में रहेगा। दोनों प्रोजेक्ट अभी नहीं गिनवा रहा हूँ, एक गिन के वो टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपकी ग्रिप आ जाए। सेकेंड प्रोजेक्ट फिर आप घर पर भी काउंट कर सकते हो। देखिए इसमें ऐसा है, प्रोजेक्ट वन में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 2,20,000, जो दोनों प्रोजेक्ट में सेम है, और जो बाकी कैश फ्लोज है वो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं 62,000, 80,000, 1,00,000, 140, ठीक है बोला। अच्छा अब इस क्वेश्चन में देखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको बोला 10% पर है ना, मतलब कहीं डिस्काउंटिंग की जरूरत पड़े तो ये रेट यूज़ करो, लेकिन जो री इन्वेस्टमेंट करना है उसका रेट अलग है, और वो नीचे ना पैराग्राफ के बाद लिखा हुआ है यूजिंग री इन्वेस्टमेंट रेट 14% पर एनम। अब इसमें जब उन्होंने ये दो रेट दिए तो फिर एक और चीज़ मिसिंग कर दी। अब अगर आप देखोगे इनिशियल कैश फ्लो तो वो एक ही साल का है, वो भी स्टार्टिंग में, तो डिस्काउंटिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। पिछले समय नहीं था, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो रहा था, अगर वो यहाँ पे भी पॉइंट यूज़ करते ना तो ये रेट इधर काम आता और ये वाला रेट इनमें काम आता, तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ जाती। पिछले समय उन्होंने क्या किया, दो रेट अलग नहीं दिए, तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग वाला पॉइंट करवा दिया। अब यहाँ डिस्काउंटिंग के लिए अलग रेट नहीं दिया, मतलब नंबर नहीं दिया, रेट अलग अलग दे दिए। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, ये वाला रेट यहाँ पे काम ही नहीं आएगा। क्यों ऐसा? बिकॉज ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे है और कुछ डिस्काउंटिंग आपको करना नहीं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हो ही गया डायरेक्टली, ये तो प्रेजेंट वैल्यू पे दिया ही हुआ है, पर इसको तो हमें फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाना पड़ेगा ना री इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, डिस्पेरिटी को हटाने के लिए। तो ये 62,000 जो है इसको जब आप री इन्वेस्ट करोगे एट 14% पर एनम,
तो 1-3 साल के लिए री इन्वेस्ट होगा ये, ठीक है। तो 62,000 की आज की वैल्यू या फ्यूचर की वैल्यू आप यहाँ से लेके आ सकते हो, 62 × 1.14 raised to 3 जो भी अमाउंट आएगा वो। इसके लिए हम करेंगे तो वो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट एड ऑन हो जाएगा, इसके लिए करेंगे तो 3 ईयर्स का इंटरेस्ट एड ऑन हो जाएगा, और इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये तो उतना के उतना ही रहेगा। सॉरी मैंने इसमें 1 लिखना था, ये 1 होगा, सॉरी 3-1 डिक्रीजिंग है और ये 0। तो आपको ये सारी फ्यूचर वैल्यूज मिल जाएंगी और इसका टोटल पता चल जाएगा। मुझे टोटल ही बता दो डायरेक्टली, ये तो 140 है, ये 114 है, बाकी क्या आप देख लो, मुझे टोटल बता दो। कितना आ रहा है? 449 और पॉइंट में है कुछ, चलेगा 8283 अप्रोक्स आ रहा है इतना, 449.82। ये आ गई आपकी टर्मिनल वैल्यू, ठीक है, डन यहाँ तक। अब आगे मॉडिफाइड आईआरआर के लिए क्या करना है आपको पता है, इसको कुछ ऐसे रेट से डिस्काउंट करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाए, तो वो हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ लिख देता हूँ 449.82 एक पर्टिकुलर एक्स परसेंट पे डिस्काउंट करेंगे ताकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू 220 के बराबर आ जाए, ये करना है आपको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1+x% विल बी इक्वल टू 449.82 डिवाइड बाई 220, ये कितना आ रहा है? टू 0.04 ओके। अब आगे आपको, अच्छा इसमें मैंने ईयर नहीं लिखा, 4 साल में, 4 साल का प्रोजेक्ट है ना, यहाँ रेज टू 4 है। अब ये हमें कंसिडर करना है कि क्या एक्स परसेंटेज लूँ कि उसका फोर्थ पावर करे तो 2.04 के आसपास आ जाए। री इन्वेस्टमेंट रेट 14 है तो अपने उससे हायर रेट ही ले लेते हैं। आप पहले 15 पे ट्राई तो करो एक बार, वैल्यू आएगी उससे आइडिया लग ही जाएगा। 1.15 raised to 4 करके देखो कितना आ रहा है, 1.75। ये तो बहुत कम अमाउंट आ गया, अपने को 2.04 तक जाना है। डायरेक्ट 20% लेके देख लो, और क्या देखो तो सही, एक रेंज का आइडिया आ जाएगा, 2.07 तो इसके काफ़ी पास है, 19% ट्राई कर सकते हो, 2.0005। तो फिर और आगे बढ़ना पड़ेगा, 19 और 20 के बीच में होगा कहीं, 19.5 लेके देख लो, 1.195 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, राउंड ऑफ करके भी अगर आ रहा है तो चले। 19.5% के आसपास आपका मॉडिफाइड आईआरआर है, उनका आंसर भी 19.57 ही है, तो काफ़ी क्लोज हो गया। 19.6 ट्राई करते तो और शायद नियर आ जाता, बट ये चले इतने डेसिमल तक, 19.5 इज ओके। तो ये मॉडिफाइड आईआरआर का आपका रेट हो गया 19.5%, समझ आ रहा है? ऐसे ही आप प्रोजेक्ट 2 में कैलकुलेट कर सकते हो, फिर कंपेयर कर लेंगे कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है बेस्ड ऑन दिस नंबर MIRR, क्योंकि इसमें ना डिस्पेरिटी को हमने हटा दिया। हम सारे कैश फ्लोज को इस वैल्यू पे जब यहाँ लेके आ गए तो हमने एक टाइम लाइन पे लेके आ गए इसको, तो अपने आप वो डिस्पेरिटी खत्म हो गई, बस और कुछ नहीं। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट, टाइम डिस्पेरिटी। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, मैं थर्ड वाला ले रहा हूँ पहले, लाइफ डिस्पेरिटी, उसमें 2 टॉपिक्स है वो कवर करने। लाइफ डिस्पेरिटी आपका दिया हुआ है पेज नंबर 62 पे, मॉड्यूल में देख लो, पेज 62 पे ना एक एग्जांपल है नीचे, एग्जांपल नंबर 2 मिला, ठीक है, वो एग्जांपल नंबर 2 अपने देखेंगे, उससे आपको एक कंसेप्ट समझाना है। इसमें आपका कुछ नोट करना बाकी? अब ये टाइमलाइन क्लियर है, वैसे ही फ्लो है, आप सॉल्यूशन है बुक में, उसके बेस पे फिर से बना भी सकते हो।
मैं हटा देता हूँ। चलो देख लो लाइफ डिस्पेरिटी में क्या बोला है। एग्जाम्पल नंबर टू मैं डेटा आपके सामने लिख देता हूँ, उसके बेस पे फिर डिस्कशन कर देते हैं। अब ये जो टॉपिक है ना एमसीक्यू में पूछे जाए पॉसिबल है, ध्यान दो यार। आपको पता है कि भाई बहुत बड़े सम्स तो आना भी उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा वो पूछ सके, बट ये टॉपिक एक बार आपको समझ आ गया फिर सॉल्व करने में टाइम बहुत कम लगता है। वन मार्क के क्वेश्चन वन मार्क के वर्थ तो होंगे नहीं, टू या थ्री मार्क्स जितना कंटेंट पूछ ही सकते हैं, ये टॉपिक्स आने के चांसेस रहेंगे, हो सकता है ऐसा, तो एक बार उसको ध्यान से समझ लो। इसमें भी एक थोड़ा एडवांस लेवल पॉइंट है, पहले बाकी का डेटा तो देख लें। दो मशीन्स हैं, इन्होंने बोला आपका जो इनिशियल कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 75,000 है यहाँ पे और यहाँ पे है 50,000। उसके बाद बोला है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, और यहाँ पे जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो है 20,000। ये एनुअल है, वन टाइम नहीं, हर साल के लिए। अब प्रोजेक्ट की लाइफ देख लो, फर्स्ट प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी बोली है 5 ईयर्स, और सेकंड प्रोजेक्ट की लाइफ जो है वो है 3 ईयर्स। समझ आए? अब डिस्पेरिटी की बात हो रही है ना, लाइफ डिस्पेरिटी, ये रहा। एक प्रोजेक्ट की लाइफ या मशीन की लाइफ 5 साल, एक मशीन की लाइफ 3 साल, कैसे कंपेयर करोगे? क्योंकि दोनों अलग अलग लाइफ के हिसाब से है। दूसरा यहाँ पे एक सब में नई बात देखना, यह कॉस्ट दे रखा है। आप देखो कैश इन्फ्लोज नहीं है कहीं पे भी, डेटा इतना ही है, कोई कैश इन्फ्लोज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंटिंग रेट आपको दे रखा है एंड दैट इज 12%, और कोई डेटा है ही नहीं। मतलब कैश इन्फ्लोज के नाम पे तो कुछ अवेलेबल है ही नहीं, जो भी बोला है वो सारा कॉस्ट के नाम पे बोला हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें जो भी कैलकुलेशन करना है कॉस्ट बेसिस पे करना है, ये भी नई बात है, अभी तक कोई समय ऐसा पॉइंट नहीं आया। जब हम प्रॉफिट्स पे बात करते हैं, रेवेन्यूज पे, इनकम पे, सेल्स पे, तो हम उसको मैक्सिमाइज करते हैं कि जिसमें ज़्यादा सेल आएगी, जिसमें नेट सेविंग ज़्यादा होगी वो प्रोजेक्ट अच्छा है। लेकिन ये जब कॉस्ट पे बात करेंगे तो जिसमें कम कॉस्ट लगेगी वो ज़्यादा बेटर है, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब पॉइंट ये है कि सब अलग अलग टाइम स्केल पे चल रहा है, ये आज की वैल्यू है, ये हर साल की वैल्यू है जो अगले 5 साल तक खर्चा होने वाला है, ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, और 5 ईयर्स तक ये एक्सपेंस होने वाला है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एनपीवी नहीं निकाल रहे, हम ये निकाल रहे हैं कि इस पूरे मशीन में या इसके पूरे लाइफ में हमारा जो भी कॉस्ट लगने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। समझ आए? दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट एंड नॉट ऑफ रेवेन्यू और सेविंग्स। तो प्रेजेंट वैल्यू तो हम निकाल रहे हैं लेकिन कॉस्ट की निकाल रहे हैं। अब अगर मैं टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करूं कि इस मशीन का कितना आ रहा है एट प्रेजेंट वैल्यू, तो मेरे दो खर्चे हो रहे हैं। एक तो ये 75,000 तो है ही, वो तो प्रेजेंट वैल्यू पे ही है। ये जो 12,000 मेरा खर्च हो रहा है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, 5 साल के हिसाब से देखो तो एब्सोल्यूट नंबर है 60,000, लेकिन उसकी आज की वैल्यू तो कुछ और होगी। वो कैसे निकालेंगे? वो कैलकुलेट होगी 12,000 इंटू पीवीफा, पीवीफा एट द रेट 12% फॉर 5 ईयर्स। अपना जीटी फैक्टर ये होता है ना, 12,000 5 साल तक खर्च होने वाला है, हर साल के एंड में उसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो कैसे मिलेगी? जीटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही अपन एनपीवी में सीएफएटी के साथ भी तो यही कर रहे थे, सीएफएटी इंटू पीवीफा, सेम स्टेप है। लेकिन ये सीएफएटी नहीं है, कॉस्ट है, कैश आउटफ्लो बोल सकते हैं, दिस इज नॉट कैश इनफ्लो। आप ये फैक्टर ढूंढो कितना आ रहा है, पीवीफा 12% 5 ईयर्स, 1/1.12, 5 बार इक्वल टू, और फिर जीटी कैलकुलेट करके देख लो, 1/1.12 5 बार इक्वल टू जीटी 3.6 आ रहा है। तो 75,000 फिक्स, 12,000 इंटू 3.6 करके बताओ ना कितनी वैल्यू आ रही है, 43,200 आ रहा है। ये फिक्स और ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू 43,200, ठीक है। अब ये टोटल प्लस करके देख लो, 1,18,200 हो गया। दिस इज द टोटल कॉस्ट इफ यू आर गोइंग फॉर मशीन वन, और ये टोटल कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू पे है और ये 5 साल का खर्चा है, अभी तक इतनी बात समझो। वैसे ही हमें यहाँ पे भी गिनना पड़ेगा मशीन टू के लिए। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एक तो 50,000 ले लेंगे प्लस 20,000 पर एनम है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, इंटू करेंगे पीवीफा से, पीवीफा लेंगे 12% पे फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स नॉट 5 ईयर्स, ड्यूरेशन अलग है, 1/1.12 3 बार इक्वल टू जीटी, फैक्टर बता दो कितना आ रहा है, 2.40 आना चाहिए, जीटी फैक्टर करना लास्ट में,
वन डिवाइड बाई 1.12 तीन बार इक्वल टू जी टी 2.4 आ रहा है, ठीक है। तो वो फैक्टर हो गया 2.4 इंटू 20,000 करोगे तो ये हो जाएगा 48,000 और आपका ये 50,000 तो था ही पहले से प्रेजेंट वैल्यू पे, टोटल हो गया 98,000। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब ये आ गई मशीन टू की टोटल कॉस्ट का प्रेजेंट वैल्यू, बट अगेन डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं हो सकता, डिस्पेरिटी। ये 5 साल का खर्चा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये 3 साल का खर्चा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। आप ऐसा नहीं बोल सकते ये मशीन बेटर है क्योंकि खर्चा कम हो रहा है, वो तो होगा ही ना, 3 साल का ही तो खर्चा है, और 2 साल अगर इसकी लाइफ होती तो उसके खर्चे कुछ और होते, वो भी इसमें जुड़ते, फिर पता चलता ना कंपेरिजन कैसे करना है। अब अगर डिसीजन तो लेना ही है कंपेयर करने के लिए, तो डिस्पेरिटी को हटाए कैसे है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये स्टेप थोड़ा एडवांस लेवल का है, एक बारी में समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितनी बार 2-3 बार सोचना पड़ता है तब जाके वो रिलेट होता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है आप समझो। ये जो अमाउंट है, जैसे मशीन वन, इसके लिए टर्म यूज कर रहा हूँ जो उन्होंने भी बोला है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। ये एक टर्म है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, ईएसी बोल रहे हैं शॉर्ट में। अब ये एनुअल कॉस्ट नहीं है, ये तो पूरे 5 साल के टोटल खर्चे की प्रेजेंट वैल्यू है। अब हम इसको ना एनुअल बेसिस पे कन्वर्ट करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्टली इसको डिवाइड बाई 5 कर दिया, इसको डिवाइड बाई 3 कर दिया। शायद आपके किसी के माइंड में आया भी होगा कि सर एनुअल बेसिस पे निकाल लेते हैं ना, 5 साल का ये खर्चा, 1 साल का कितना, 3 साल का ये खर्चा, 1 साल का कितना, फिर कंपेयर कर लेंगे। वहाँ पे ऐसा करने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ ऐसी है जो गलत हो रही है। वो गलत क्या हो रही है वो समझो। अगर मैं ये 1,18,000 को समझना, 1,18,200 को सीधा 5 से डिवाइड कर देता हूँ, आप इसको 5 ईयर्स की तरह देख रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन इसको देखने का एक और तरीका भी है। ये एक्चुअली ये 5 पता है क्या है, ये 5 है अगले 5 साल का एक एक रुपये का कॉस्ट। अगर आपने अगले 5 साल तक एक एक रुपया इस मशीन के पीछे खर्च किया, दैट अमाउंट्स टू 5। तो एग्जैक्टली जो 5 ईयर्स से डिवाइड कर रहे हो ना, वो 5 ये है। आपको इस तरीके से इसको देखना पड़ेगा, नया है, थोड़ा हैवी है, लेकिन देखना उसको ऐसे ही पड़ेगा। अगेन दिस इज नॉट एट प्रेजेंट वैल्यू, मैं बोलना यह चाह रहा हूँ कि दिस 5 इटसेल्फ इज नॉट एट प्रेजेंट वैल्यू। 1,18,200 जो आप देख रहे थे वो तो प्रेजेंट वैल्यू पे था, लेकिन जो 5 आप नीचे डिवाइड कर रहे हो ना, वो खुद प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं है, वो इस तरीके का 5 है, ये 5 है, समझ आया? तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी तो प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। अब इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना मतलब इन सबको डिस्काउंट करना, इन सबको डिस्काउंट करेंगे तो रेट क्या लेंगे, 12% पर एनम जो अपना क्वेश्चन का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और अगर आप डिस्काउंटिंग करोगे तो आप क्या निकाल रहे हो, अल्टीमेटली आप PV5 निकाल रहे हो, और PV5 ये रहा, आपने गिना हुआ ये, जहाँ पे आपने फैक्टर नहीं लिया था 3.6, वही फैक्टर आएगा, वापस करोगे तो वही आने वाला है ना। ये एक एक रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, सबको ऐड करोगे 12% पे, तो अल्टीमेटली यही तो फैक्टर आएगा PV5। तो नया पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको 5 नहीं यूज करना है, आपको 5 की प्रेजेंट वैल्यू यूज करनी है 3.6। ये है नया पॉइंट, और ये एक बार में नहीं समझ आता है, ये आप घर पे जाके इसको 2-4 बार अकेले बैठ के सोचोगे ना, तब जाके आपको समझ आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज इस लिमिट पे जाके आपने सोचते नहीं कभी, सीधा डिवाइड बाई 5 करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, बट एक्चुअली में पॉइंट ये है, रीजन ये प्रेजेंट वैल्यू पे है ना, तो ये भी प्रेजेंट वैल्यू पे होना चाहिए। तो 5 की प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, 3.6, वो ऐसे ही आने वाली है, आया समझ में? तो उसको 5 ईयर्स की तरह मत देखो, दैट 5 इज एक्चुअली 1 रुपी स्पेंट पर ईयर, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखो, वो आएगी 3.6। ये एक बहुत अलग पॉइंट है, अभी तक अपन ने इस लेवल पे इस डायरेक्शन में जाके कभी सोचा ही नहीं है, शायद ही कभी सोचा होगा, ऐसा कोई पॉइंट भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा पॉइंट है। अब ये आप निकालोगे तो देखो अमाउंट कितना आ रहा है, पहले तो वो बता दो, 32, ठीक है, कोई नहीं, 1-2 रुपए तो चलेगा। ये आ रहा है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ मशीन वन बोला है ना, मशीन वन। अच्छा वैसे ही इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मशीन टू का भी तो निकाल सकते हैं, 98,000 डिवाइड बाई PV5। यहाँ जो PV5 आपने लिया था दैट वॉज 2.40, ये फैक्टर आया था 2.40, ठीक है, तो वो फैक्टर से मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ। मुझे बताओ अमाउंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ देख लो, बातें बहुत करते हो यार पीछे, डाउट है तो मेरे से पूछो ना, सारा बैकग्राउंड में नॉइज रिकॉर्ड होता है। 32,833 जो है वो मशीन वन का आपका ESC आ रहा है, वैसे ही मशीन टू का जो ESC है 40,833 आ रहा है। अब ये तो कॉस्ट है ना, तो इसमें बेटर कौन सा हुआ जहाँ कॉस्ट कम लग रहा है, तो ये अपन ने जो गिना ये पता है क्या शो कर रहा है, मशीन वन को चलाने का 1 साल का खर्चा एट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द करेक्ट वैल्यू। इस मशीन को अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो आपका एनुअली प्रेजेंट वैल्यू पे जो खर्चा लग रहा है ना, दैट इज 32,800। और ये अगर आप मशीन टू यूज कर रहे हो
तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में एक साल का आपका जो इक्विवेलेंट कॉस्ट लग रहा है वो है 40,800। तो इफेक्टिवली तो ये महंगी हो गई ना पर एनम बेसिस पे। आज के टर्म्स में देखे तो मशीन टू पे आपके ज्यादा पैसे जा रहे हैं और मशीन वन कम पैसों में आपको बेनिफिट दे रही है, सिर्फ 32,800 का खर्चा हो रहा है। तो सिलेक्शन करें इस बेस पे तो मशीन वन इज डेफिनेटली बेटर, समझ आए। बट आप ये पैरामीटर देख के कंपेयर करोगे तो आपको ये मशीन गलत लगेगी, ये तो महंगी है। बट वो 5 साल का डेटा है, ये 3 साल का डेटा है, पर एनम इक्विवेलेंटली कन्वर्ट करके तो देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या डिसीजन लेना है। आया समझ में? तो इस फैक्टर को या इस अमाउंट को अपने बोल रहे हैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, जैसा नाम है वैसे ही कैलकुलेशन हमने किया, ठीक है। ये कुछ एकदम नया कंसेप्ट था, घर जाके आपको ये अकेले बैठ के खुद से एक बार फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या समझाया। उसके बाद आपको धीरे धीरे, ये ऐसा है ना कि एक दिन अचानक नहीं, वो मिरेकल वाली सिचुएशन हो जाएगी, एकदम से समझ आ जाएगा कि अचानक स्ट्राइक हो गया कि क्या। ये जो पॉइंट है ना, ये एकदम अलग लेवल का पॉइंट है। फर्स्ट टाइम सुन के लगता है ऐसा भी कुछ होता है क्या, लेकिन जब एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा ना तो आपको बात दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ ये क्यों किया। वो एक दो बार सम देखने के बाद, खुद से पढ़ने के बाद ही आपको रियलाइज होगा। मैं अभी 4 बार सेम चीज रिपीट करूंगा ना, वो एकदम से नहीं आएगा। खुद आप घर पे बैठ के इसको सॉल्व करना, उस एंगल से सोचना, देखो आपको रिलेट होता है कि नहीं। क्लियर हुआ? अल्टीमेटली कंक्लूजन इतना है, इसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसमें, यहाँ पे वो पॉइंट कंप्लीट है। तो लाइफ डिस्पेरिटी का मैंने आपको एक एग्जांपल ये करवा दिया और एक नया कंसेप्ट इसमें बता दिया, विच इज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। पहली बार इस सब में सिर्फ कॉस्ट पे डिस्कशन हो रहा है, नहीं तो हर बार होता है इनिशियल कॉस्ट, ऑपरेटिंग सेविंग्स, नेट इफेक्ट इज एनपीवी, लेकिन यहाँ पे ऐसा हमने नहीं किया। तो कॉस्ट है तो मिनिमाइज करेंगे, प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करेंगे, सिंपल अप्रोच यहाँ पे रहती है, ठीक है। क्लियर अभी है, पता चला? अब इसके जैसा ही इसी में, मतलब जो अपने लाइफ डिस्पेरिटी सॉल्व कर रहे हैं, इसी में एक और एग्जांपल है, वो करवा देता हूँ और फिर बैकअप करते हैं। इससे भी छोटा क्वेश्चन है वो। पेज नंबर 63 पे देखना, एकदम लास्ट में एक एग्जांपल दिया, इतना कैलकुलेशन नहीं है उसमें। अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी आइडिया लगा ना तो अभी वो उससे भी जल्दी हो जाएगा। कुछ लिखना बाकी है इसमें? क्लियर है? चलो वो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल का डेटा कुछ ऐसा है, दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, या 1, 2 जो भी आप नाम दे दो। जो एनपीवी दोनों प्रोजेक्ट्स में है वो दे रखा है यहाँ पे 1 लाख और यहाँ पे 1,20,000, ठीक है। और उसके साथ साथ दोनों प्रोजेक्ट्स की लाइफ दे रखी है, फर्स्ट प्रोजेक्ट की लाइफ है 7 ईयर्स, इस प्रोजेक्ट की लाइफ है 9 ईयर्स। और डिस्काउंटिंग रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों में 6% पर एनम। डिस्पेरिटी है अभी भी, एनपीवी के बेस पे आप डायरेक्टली अगर बोल देते हो कि प्रोजेक्ट बी बेटर है तो गलत है, बिकॉज प्रोजेक्ट बी में एनपीवी कमाने में 9 साल लगे, यहाँ 7 साल लगे। भले डिस्काउंटिंग रेट सेम है लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस तो है ही, लाइफ डिस्पेरिटी दिख रही है यहाँ पे। तो कंपेरिजन करने के लिए हमें अगेन कुछ एनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉस्ट नहीं है, ये एनपीवी है, तो जो ज्यादा होगा वो बेटर है। वहां पे कॉस्ट था, जितना कम है उतना बेटर है। तो ये जो आपका एनपीवी है, ये जो आपने अर्न किया है 7 साल में 9 साल में, इसको हमें इक्विवेलेंट एनुअल लेवल पे लाना पड़ेगा। इसको इक्विवेलेंट एनुअल एन्यूटी अप्रोच बोल सकते हैं, वहां कॉस्ट अप्रोच बोल रहे थे या एन्यूटी अप्रोच बोलेंगे, बिकॉज ये एनपीवी है, ठीक है। करना वही है जो वहां पे किया, अब इसको एनुअल बेसिस पे लेके आना है, इक्विवेलेंट एनुअल एन्यूटी अप्रोच। तो कैसे कंसिडर करेंगे? तो बोला 1 लाख डिवाइड बाई, हम 7 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, वो लॉजिक मैंने आपको बताया। आपको लेना पड़ेगा पीवीएफआ एट 6% फॉर 7 ईयर्स, उसका जीटी फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 1,20,000 डिवाइड बाई पीवीएफआ एट 6% फॉर 9 ईयर्स, डायरेक्ट 7 साल नहीं, 7 साल की प्रेजेंट वैल्यू, वो फैक्टर निकालो, 1 लाख से डिवाइड करो, मुझे अमाउंट बताओ। 1 / 1.06, 7 बार इक्वल टू जीटी, वही फ्लो चल रहा है बार बार, देखो फैक्टर आ रहा है। आपको डिवाइड इक्वल टू में वो रिवर्स करना आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो यहां पे काम आ सकता है। आप अगर स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहे हो 1 / 1.06, 7 बार इक्वल टू कर रहे हो, सुन लो यहां, 7 बार इक्वल टू करो आप 1 / 1.06 करके, लास्ट में जीटी प्रेस करो, एक फैक्टर आ जाएगा आपका। अब आपको करना क्या है, 1 लाख डिवाइड बाय दैट फैक्टर उल्टा कर लो, जो फैक्टर आपकी स्क्रीन पे आया ना डिवाइड बाय 1 लाख कर लो रिवर्स, एक बार करके देखो कितना अमाउंट आ रहा है, कुछ पॉइंट में ही जाएगा। फैक्टर पहले तो आ गया था आपका, फैक्टर आने के बाद करो डिवाइड बाय 1 लाख, मतलब उल्टा जा रहे हैं। अब जो भी आपकी वैल्यू आ गई है ना, आपको तो रिवर्स करना था, आपने a / b करना था, आपने b / a कर दिया। इसको ठीक कैसे करेंगे, डिवाइड इक्वल टू,
कैलसी पे बटन दबाना है डायरेक्टली डिवाइड इक्वल टू, उससे आपको डायरेक्टली ये वैल्यू मिल जाएगी। आपको जीरो करके वापस करना है तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, कर लो, सीख लो ना, ये पॉइंट काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। कैलसी एकदम जीरो कर दो, 1 डिवाइड बाई 1.06 किया, 7 बार इक्वल टू, हो गया जी टी। जी टी फैक्टर कितना आ रहा है? 5.58, ये फैक्टर आ गया। अब ये आपकी वैल्यू आ गई, ये वाली मैं यहाँ लिख देता हूँ 5.58, जो भी वैल्यू है आपकी स्क्रीन पे। एक्चुअली मैं आप उसको कुछ करना मत, आपको एक्चुअली में तो ये करना है ना 1 लाख डिवाइड बाई 5.58, बट आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी ये है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, जीरो करके ये अमाउंट याद रख के 1 लाख डिवाइड बाई ये करना पड़ता है, आपने उल्टा कर देते हैं, जो स्क्रीन पे अमाउंट है ना 5.58 डिवाइड बाई 1 लाख कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है, कर दिया डिवाइड बाई 1 लाख, 0.00 समथिंग कुछ आया होगा। अब उसको अगर ठीक करना है, रिवर्स करना है, तो आप करो डिवाइड इक्वल टू, बस इतना ही करना है, 17,000 समथिंग कुछ आ रहा होगा, वो अमाउंट बता दो, 5-10 रुपए इधर उधर हो सकता है, 900 के आसपास है बस, तो चलेगा। अब 1-3 है कि 2-1 है, जाने दो, इतना आ रहा है तो ठीक है। ये जो आपने किया कैलसी पे वो समझ आया, डिवाइड इक्वल टू करने से आपने जो a बाई बी किया था वो अपने आप b बाई ए हो जाता है। तो ऐसे कितनी बार नंबर जाते हैं तो याद रखने की जरूरत या लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उल्टा कर लो फिर डिवाइड इक्वल टू करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। आया समझ में? यही चीज यहाँ पे भी ट्राई कर लो, 1 डिवाइड बाई 1.06 9 टाइम्स इक्वल टू देन जी टी, देखो इसी ट्रिक से सॉल्व करो बनता है कि नहीं। फैक्टर आया 6.88, डिवाइड बाई 1,20,000, फिर डिवाइड इक्वल टू 642, अप्रॉक्स आ रहा है आंसर सबका, तो पता चल गया कैसे गिनना है। आप लिख के भी कर लेते ठीक था, आंसर यही आने वाला है। दिस इज इक्विवेलेंट एन्यूटी या एनुअल एन्यूटी ऐसे बोल सकते हैं, ई डबल ए नाम दे रहे, ये एन्यूटी है। अब ये तो इनफ्लो के बेस पे है ना, कमाई के बेस पे, तो जो हायर नंबर होगा वो बेटर होगा ना। ये एनपीवी की प्रेजेंट वैल्यू है एन्युअली, कि आपने जो 7 साल में 1 लाख रुपया कमाया, एन्युअली आपने कितना कमाया, तो इतना कमाया, तो दोनों में से जो ज्यादा है वो बेटर होगा। तो यहाँ पे फिर सिलेक्ट कौन सा होगा, प्रोजेक्ट ए या प्रोजेक्ट वन। आया समझ में? ठीक है, तो ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। देखो लॉजिक वही सेम है, पीवी फॉर डिवाइड करने वाला, बट यहाँ हायर द बेटर, कॉस्ट वाले में लोअर द बेटर, वो तो बेसिक लॉजिक है कि इनकम की बात हो रही है, ज्यादा कमाया होगा वो बेटर होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बस तो ये कंप्लीट है, टाइम डिस्पेरिटी में और लाइफ डिस्पेरिटी में मैंने बता दिया, साइज डिस्पेरिटी बाकी है, वो आज का टॉपिक नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंटिन्यू करेंगे। और अब चैप्टर में मेजॉरिटी चीजें हो गई है, मेरे को एक ही सेशन चाहिए, जो बचा है उसमें से मैं देख लूंगा कितना रिलेटेबल है, उतना करवा के अपने बैकअप कर देंगे, बाकी चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है।